सब कैसे हैं। आज COVID-19 का दूसरा स्टेज है तो सारे स्कूल बंद हैं, तो हम लोग ने ऑनलाइन पढ़ाने का फैसला किया। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप अपने सिलेबस की तैयारी कर सकें। बच्चों, आज मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ ये बुक आप सबके पास है या नहीं तो आप बुक परचेस कर लें, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप घर बैठे बैठे पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, हम लोग ने फैसला किया है। तो बच्चों, मेरा परिवार, गेट रेडी, तैयार हो, अपनी बुक देखें और ध्यान से अध्ययन करें। ड्रॉ ए पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली हियर, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉ ए और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली हियर, आप अपने परिवार का तस्वीर यहाँ चिपकाएं। चलिए, आपको समझ में आ गया? बच्चों, ध्यान से समझना है। माय फादर्स नेम इज, इसमें ऑप्शन दिया है, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, आई हैव ब्रदर या ब्रदर्स, आई हैव सिस्टर या सिस्टर्स, देयर आर, फिर इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, पीपुल इन माय फैमिली। बच्चों, आपको समझ में आ गया? समझ में आ चुका है तो आप अपनी नोटबुक निकालकर इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। माय माने मेरा, फैमिली माने परिवार, मेरा परिवार। बच्चों, यहां हम लिख दिया है योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आप सबका अलग अलग नाम होगा, लेकिन यहां मान लेते हैं हम कि आपका नाम राहुल है, राहुल कुमार। फादर्स आपके पिता का नाम, तो राहुल के पापा का नाम क्या है, वो राहुल के पापा का नाम क्या है, राहुल को बताना। तो माय फादर्स नेम, तो राहुल के पापा का नाम प्रदीप कुमार झा, राहुल, योर नेम राहुल, राहुल कुमार, यहां दिया हुआ माय फादर्स नेम मतलब मेरे पापा का नाम, तो राहुल के पापा का नाम प्रदीप कुमार झा है। माय मदर्स नेम, राहुल की मम्मी का नाम रेखा बच्चों आपको समझ में आ गया हो? माय मदर्स नेम, माय मदर्स नेम मेरी मम्मी का नाम, राहुल की मम्मी का नाम रेखा देवी है। राहुल ने बताया, आई हैव ब्रदर या ब्रदर्स, आपके पास कितने भाई, तो यहां आपके पास अगर टू ब्रदर्स लिख दिया कि राहुल के पास दो भाई हैं। आई हैव सिस्टर, राहुल के पास टू सिस्टर, राहुल के पास दो बहन है। देयर आर फैमिली, देयर आर पीपुल इन माई फैमिली, अब राहुल के परिवार में कितने सदस्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो आप समझ लीजिए कि देयर आर
फोर पीपल इन माई फैमिली। बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब सही तौर से दिया। चलिए इससे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के रीड करा देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आप याद करें। अब इस चैप्टर को हमें आपको पढ़ाना है, माई फैमिली। बच्चों आप सबको याद होगा कि माई माने होता मेरा और फैमिली का मतलब परिवार, मेरा परिवार। चैप्टर है ये वन चैप्टर। अब इसे हम रीड करते हैं, आप पढ़ें मेरे साथ। फादर मदर एंड चिल्ड्रेन मेक ए फैमिली। फिर समझें, फादर मदर एंड चिल्ड्रेन मेक ए फैमिली। फादर का मतलब आप सबको याद होगा, फादर माने पापा या पिता, मदर मम्मी या माता भी कह ले। तो पिता माता और बच्चे एक परिवार बनाते हैं, पिता माता और बच्चे एक परिवार बनाते हैं। आप ध्यान से इसे समझना है। फादर एंड मदर टुगेदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। फादर एंड मदर टुगेदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। पिता और माता को माता पिता कहा जाता है, आप सबको मालूम होगा और नहीं तो आप याद कीजिए। पिता और माता को माता पिता कहा जाता है। आवर ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड सिबलिंग। आवर ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड सिबलिंग। हमारे अपने भाई और बहनों को भाई बहन कहा जाता है। हमारे अपने भाई और बहनों को भाई बहन कहा जाता है। आप सब ध्यान से समझे। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। आमतौर पर परिवार दो प्रकार के होते हैं। आमतौर पर परिवार दो प्रकार के होते हैं। वन इज न्यूक्लियर फैमिली एंड अनदर इज ज्वाइंट फैमिली। वन इज न्यूक्लियर फैमिली एंड अनदर इज ज्वाइंट फैमिली। एक परमाणु परिवार है और दूसरा संयुक्त परिवार। एक परमाणु परिवार है और दूसरा संयुक्त परिवार। इन ए न्यूक्लियर फैमिली व्हेन पेरेंट्स लिव विथ देयर वन और टू चिल्ड्रेन इट इज कॉल्ड ए स्मॉल फैमिली। इन ए न्यूक्लियर फैमिली व्हेन पेरेंट्स लिव विथ देयर वन और टू चिल्ड्रेन। बच्चे अब ध्यान से समझें, आप सबको समझ में आ गया होगा। परमाणु परिवार में माता पिता अपने एक दो बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो इसे एक छोटा परिवार कहा जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैं